गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 11 आर्टिकल्स. वी नो व्हाट आर आर्टिकल्स. द वर्ड्स ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स एंड पॉइंट आउट द नाउन्स. दे आर ऑलवेज प्लेस बिफोर द नाउन. हमें पता है ए एन एंड द को हम आर्टिकल्स बोलते हैं. आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स होते हैं और वो नाउन्स को पॉइंट आउट करते हैं. दे आर ऑलवेज प्लेस बिफोर द नाउन और वो हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. द इनडेफिनाइट आर्टिकल्स सच एज ए एंड एन. द डेफिनाइट आर्टिकल द. इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कौन से होते हैं हमारे ए एंड एन और डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा होता है द. नाउ इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. ए एंड एन आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स इन इंग्लिश. हमें पता है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कौन से होते हैं ए एंड एन. दे आर यूज बिफोर कॉमन सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स. वो कौन से नाउन से पहले यूज होते हैं कॉमन सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से. ए का यूज होता है हमें पता है कब, जब हम कॉन्सोनेंट्स की कॉन्सोनेंट्स होता है उसके आगे. और एन का यूज़ होता है कब, जब वॉवल्स होते हैं उसके आगे. दीज आर रूल्स ऑफ यूजिंग ए एंड दीज आर रूल्स ऑफ यूजिंग एन. यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ. एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. ही शी इज डैश ऑनरी सेक्रेटरी. ऑनरी है क्या आएगा, एन. ओ से स्टार्ट हो रहा है साउंड इसका. ही यूजेस डैश इलेक्ट्रिक आयरन. ई है, एन आएगा. आई लाइक टू गिव डैश यूजफुल थिंग एज प्रेजेंट. यूजफुल, एन आएगा. ही वॉन्ट्स टू विजिट डैश यूनिवर्सिटी. अगेन यू आर आई, एन आएगा. शी नेवर वॉन्ट्स टू वियर डैश यूनिफॉर्म. यू आर आई फिर से, एन. वी विल बी बैक इन डैश आर. आर की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है तो एन आएगा. ही इज डैश यूरोपियन. यू की साउंड आ रही है, एन आएगा. My brother is dash engineer. N. Be aware of that girl. She is dash liar. Consonant है, A आएगा. She is dash intelligent girl. N. I है. Now definite article. In English language there is only one definite article, namely the. We use the definite article to refer a specific noun. English language में सिर्फ एक ही definite article है, वो है the. इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करते हैं. अब यहाँ पे द के यूज़ दिए हुए, यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द. डैश लॉयन इज डैश किंग ऑफ जंगल. द लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल. दोनों ही स्पेसिफिक नाउन है. डैश बुक्स गेव मी, यू गेव मी आर इंटरेस्टिंग. द डैश यमुना इज अ सैक्रेड रिवर. द यमुना इज अ सैक्रेड रिवर. डैश अर्थ मूव राउंड डैश सन. दोनों ही क्या है, स्पेसिफिक नाउन. द अर्थ मूव राउंड द सन. देयर इज डैश यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यू यूज हो रहा है. डैश गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय डैश हिंदूज. द गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय द हिंदूज. द एलिफेंट इज A heavy animal. You can carry an umbrella. The English defeated the French. An Indian man married a European lady. The Rajdhani Express is the fastest train. This is the boy who is very intelligent. जहाँ भी specific nouns का use हुआ है वहाँ हमने किसका use किया है, the का. Now next is omission of articles. We do not use articles. हम आर्टिकल्स का यूज़ कब नहीं करते, बिफोर एक्सप्रेशंस लाइक लास्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, लास्ट नाइट. इनसे पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता. बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता. बिफोर मटीरियल नाउन्स, बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेजेस, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, बिफोर नेम ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बिफोर एक्सप्रेशन सच एज ऑल डे, ऑल नाइट, बाय सी, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स. इन सबसे पहले आर्टिकल्स का यूज कभी नहीं होता. नाउ एक्सरसाइज सी इज री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली. अब यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिकल्स हमें गिवन हैं जो जहाँ पे इनका यूज़ नहीं हो रहा, लाइक द डिनर इज़ रेडी. हमने अभी पढ़ा मील्स के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता. सो डिनर से पहले भी नहीं होना चाहिए. सो डिनर इज़ रेडी. द एप्पल्स आर गुड टू ईट. फ्रूट्स नेम से पहले भी, मील्स, अगेन मील से पहले कभी भी यूज़ नहीं होता. तो एप्पल्स आर गुड टू ईट. व्हेन डू यू हैव द ब्रेकफास्ट. इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सॉरी इसमें चेंज होगा. व्हेन डू यू हैव द ब्रेकफास्ट. इसमें द नहीं आएगा. व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट.
क्योंकि ये भी मील है. दिस इज़ अ आर्टिकल विच ही पब्लिश्ड. दिस इज एन आर्टिकल विच ही पब्लिश्ड. ये आ गलत यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, एन आता है. द गोल्ड इज प्रीशियल मेटल. अभी हमने पढ़ा गोल्ड मटेरियल ना होने, उससे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता. गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल. आ एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई. आ नहीं आएगा. एरोप्लेन क्या है? वॉवल. तो एन आना चाहिए. एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई. स्काई क्या है? स्पेसिफिक नाउन. तो इससे पहले क्या आना चाहिए? द. हैव यू हैड द लंच येट. अगेन ये मील का नेम है लंच. हैव यू हैड लंच येट. आई वर्कड हार्ड ऑल द डे एंड नाउ आई एम टायर्ड. आई हैव वर्कड ऑल डे एंड नाउ आई एम टायर्ड. डे इस पे भी पहले भी इसका आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा.